नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। हम प्रेरणा नहीं सीखा था जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने फौज बनाई थी, हमारी नेवी बनाई थी, एयरफोर्स बनाई थी, हमारे सैनिक स्कूल बनाए थे, हमारी मिलिट्री एकेडमी बनाई थी। और मोदी जी, आप कहते हैं देश आपके नीचे केवल सुरक्षित है, सबसे ज्यादा, मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड बताता है, सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही। मैं संसद में बैठा था जब आतंकी हमला हुआ, कितना भयानक माहौल था। किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब कारगिल में हमला हुआ, किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, मोदी जी आपकी सरकार थी। आपने तो देश से माफी नहीं मांगी, आप तो कहते हैं मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? देश को बताइए, खुलासा करिए, कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक करी आपने? सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी आपने तो, सर्जिकल स्ट्राइक तो आपने हमारे किसानों पर करी, हमारे नौजवानों पर करी। और 5 साल पहले मोदी जी आए थे, कहते थे मैं चाय वाला हूं, कहते थे ना मैं चाय वाला हूं। इस पर 5 साल बाद कहते मैं चौकीदार हूं, ये कहते मैं चौकीदार हूं। सुन लीजिए मोदी जी कि मध्य प्रदेश की जनता, हमारे उज्जैन के लोग, मयूरपुर के लोग बहुत समझदार है, गरीब है, बोले बाले हैं, सीधे हैं, पर आप उन्हें ठगना चाहो, ये ठगने वाले नहीं है।